अच्छा थोड़ा बोलिएगा आप मैडम, आपका नाम बताएंगे? ये आज ईद, ईद के अवसर में देखा है संबलपुर में महिला लोगों के लिए एक मस्जिद है जहाँ महिला भी आके पुरुषों के साथ नमाज पढ़ती है। तो मैडम आज ईद के उपलक्ष्य में क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं सभी मुसलमान भाई बहन को ईद की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, और रमज़ान में जितना हम रोज़ा रखे हैं, इबादत करे हैं, और आज खुशी मनाने का दिन है, और हर इंसान को आज खुश करने का कोशिश करना चाहिए। तो आप किस तरह खुशी मनाते हैं घर में बताएंगे थोड़ा? मेन तो हमारे यहाँ तो पहले सेवइयाँ बनाई जाती है जो कि बहुत ही खास होती है, और फिर आपस में घुल मिल कर अच्छे से मिलजुल कर रहना एक साथ, वही खुशी है, वही खुशी है। थैंक यू मैडम। इसी तरह अपने रिश्तेदारों को बुलाती हैं, सब करती हैं। बोलो आप, आपका नाम बोलो। मेरा नाम सैयद आफिया है। आप किस तरह मनाएं, कितने बार रोज़ा रखें कि नहीं? हाँ, हम पूरा रोज़ा रखते हैं, इबादत करते हैं, और ये खुशी का मौका है, हम सेवइयाँ बनाते हैं और सब मिलजुल के सेलिब्रेट करते हैं उसे। आप बोलो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है आफिन खानम। आप, आपकी छोटी बहन को लेकर आई हैं, कैसा आप रोज़ा, आप नमाज भी पढ़ी? जी हाँ। तो क्या क्या किया आपने? इतने तो हमारे यहाँ से वही बनाए जाते हैं पहले, उसके बाद फिर करते हैं। थैंक यू।